नमस्ते, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको तो हम कह नहीं सकते कि आपको भी टीचर्स डे, अगर आप अध्यापक हैं तो हमारी ओर से आपको भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी आपकी शुभकामनाएं हम तक प्राप्त हो रही और कल से ही आप सबकी ये विशेष मिल रही है। बहुत मतलब यही तो 2 4 दिन होते हैं जो जिंदगी धन्य कर देते हैं। हाँ, लगता है अध्यापकों पे कुछ पाया है। जरूर बच्चा, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। अरे सबकी हैट मिली, हम हैटे तो पढ़ रहे हैं कल से। सबकी टोपियां ही तो पढ़ रहे हैं। बस वो हैट पर रिप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, वो भी होना चाहिए था कि हम आपकी सुंदर सी भावनाओं के लिए अपने ओर से भी कुछ कह सके। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बहुत मस्त बिंदास आज कक्षा होने जा रही है। दिन है शनिवार, देखते देखते कब ये जिंदगी सही हो। ऐसे शुरू होती है जिंदगी, ऐसे मंडे ट्यूसडे संडे, मंडे ट्यूसडे संडे ऐसे होता है। हमने रामायण पढ़ा, बहुत सुंदर रचा तुमने। हैप्पी टीचर्स डे, धन्यवाद बच्चा। मतलब शब्द नहीं है हमारे पास, आप सबकी भावनाएं हम तक पहुंच रही। बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान करे बस ये, हाँ हाँ दिख रहे हैं। जीवन भर हमसे पढ़ाना न छूटे, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नहीं बच्चा, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो बच्चा आइए, इजाजत दें तो शुरू करें आज का क्लास। अच्छा बढ़िया है, जो याद रह गया वो भी। तो आप जानते हैं कि आज का दिन समीक्षा अधिकारी प्रश्नोत्तर लिखा हुआ है, यानी कि हम आरओ यारओ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आरओ यारओ, अरे हैट होती है आपकी प्रोफाइल पर, आप अपनी, आपको कुछ हैट मिलती है, कुछ टोपियां मिलती हैं, वो आप टीचर्स को डेडिकेट कर सकते हैं। तो वही इन सब लोगों ने अपने प्रोफाइल पर जाकर के हैट डेडिकेट की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदरम सुंदरम। तो बच्चा आज आरओ यारओ के प्रश्नों की शुरुआत की जाए, इजाजत हो तो। बस अब सब सब यहाँ हृदय में रखते हुए शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, हम शुरू करते हैं सवाल। बहुत सरल सा सवाल, पहला ही सवाल, क्योंकि आरओ यारओ नजदीक आ रहा है तो आपकी शिद्दत भी बढ़ती चले, इसीलिए बहुत धन्यवाद पारुल, बहुत धन्यवाद। वो हिंदी, हाँ कम्युनिकेशन कहिए। नहीं, अरे चलो ये देखा जाएगा। अच्छा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। पहला सवाल आपके लिए, और आपको बताना है कि कौन है विशेष से युग्म उपर्युक्त वाक्य में। अच्छा कोई बात नहीं मनीषा, कुछ काम है क्या बच्चा। धन्यवाद रत्नम, गरिमा शुक्रिया। अरे हम काहे छोड़ेंगे, हम अभी तो भगवान कह रहे हैं हमको पढ़ाना मिले, और तुम कह रहे हो कि गड़बड़। अरे हम कहीं नहीं जा रहे हैं, वो अपनी संभावनाएं जता रहे हैं। भाई हम कहीं नहीं जा रहे हैं। चलिए, हेलो, स्वागत है, वेलकम वेलकम। बच्चा सवाल एक, तुम इतने बहुत नाइंसाफी, बहुत कम जवाब आया है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे, तो इसमें करुण पुकार, चलिए बात देखता हूं एमपी इस पर देखता हूं। करुण पुकार भक्त वत्सल कौन, भगवान। तो बच्चा पुकार की विशेषता है करुण, और भगवान की विशेषता है भक्तवत्सल। तो मात्र डी ऑप्शन है जो विशेष्य का ग्रुप है, बाकी कोई और विशेष्य का ग्रुप नहीं है, बाकी कोई और विशेष्य का ग्रुप नहीं। क्लियर है, इस पर बहुत डिस्कशन हो चुका है, लास्ट में अरुण दोबारा डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ दो होंगे, चार नहीं होंगे।
चलिए, अभी अभी सवाल में सब डिस्कशन होता जाएगा, हम बचा बातचीत करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से एक विशेषण शब्द है, सिर्फ एक जो विशेषण है, एडजेक्टिव है, उसको खट से टिक कर दीजिए, विच इज एडजेक्टिव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आप सबकी शुभकामनाएं हम तक पहुंची। ईश्वर आपको खूब खुश रखे, मस्त रखे, बिंदास रखे, खूब उन्नति करें, प्रगति करें जीवन में, जो चाहते हैं, जो अच्छा भगवान आपके लिए निर्धारित करे वो सब आपको देते रहे। तो दूसरा सवाल है कि इनमें से एक एडजेक्टिव है, सिर्फ एक, बाकी एडजेक्टिव नहीं है, आपको एडजेक्टिव चेक करना है। बहुत धन्यवाद। चलिए, ओ भाई एडजेक्टिव मैंने सिखाया है आपको, खूब खुश रहिए रोशन बाबू। अरे कैसे नहीं कर पाते, हमने खूब सिखाया एडजेक्टिव, कैसे करते हैं एडजेक्टिव? एडजेक्टिव निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जब आप किसी शब्द को पढ़े तो उसके जस्ट बगल में, हाँ जस्ट बगल में कोई शब्द लगा के देखें, क्या हाँ क्या कोई ये शब्द की तारीफ बता रहा है। आप देखिएगा, जैसे मधुर वाणी, मधुर स्वर, मधुर कुछ भी, ये सब हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब मधुरिमा स्वर कह सकते हैं, जय शिव शंकर, क्या मधुरिमा स्वर कह सकते हैं? मधुरिमा वाणी नहीं, मधुरता वाणी, माधुर्य वाणी नहीं हो सकता है। यानी ये सब क्या है? संज्ञा है। अकेले एडजेक्टिव का काम कौन कर रहा है? डी मधुर, अरे वो नाम है, कोई उनके घर में नाम होगा रामायण मधुरिमा किसी का, तो उनके नाम पर उन्होंने मधुरिमा स्वीट्स रख दिया। ठीक है, इसका धन्यवाद, अच्छा श्रोता स्वागत है। तो मैं, अच्छा बताओ, चतुर, चतुरता, चातुर्य, बहुत बार पूछा है क्योंकि ये परीक्षा पूछा जाता है, ए कि बी कि सी, बताइए, कमेंट कमेंट कमेंट, बहुत धन्यवाद अश्विनी, बहुत धन्यवाद, कमेंट कमेंट कमेंट, वो क्लियर है, चतुर ए, चतुरता नहीं हो सकता, चातुर्य नहीं हो सकता। आप बोले चतुर व्यक्ति समझ में आता है, लेकिन आप चतुरता आदमी बोलेंगे गलत हो जाएगा, चातुर्य आदमी बोलेंगे गलत हो जाएगा। तो ये सब संज्ञा ही एडजेक्टिव है। बहुत बढ़िया सवाल, तीसरा प्रश्न आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। हाँ डेफिनेटली रत्न, विशेषण को हम नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा पहले आवे, जैसे राम चतुर है, यहां पर चतुर राम का विशेषण है, बाद में आया है, जान पूछ रही है को। लेकिन अगर हम कहें राम चतुर लड़का है, राम चतुर लड़का है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आप आरओ आरओ देने जा रहे हैं और कोई भी परीक्षा विशेषण जिसमें पूछा जाता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। यहाँ पर चतुर राम की विशेषता है और यहाँ पर चतुर जो है वो लड़के की विशेषता है, राम की नहीं। तो पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, ऐसा कोई हर्ज नहीं होता। क्लियर है, बहुत गजब सवाल आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर तीसरा सवाल, और देखते हैं कितने लोग आते हैं हमारे चक्कर में। बताना, समुद्र का पर्यायवाची क्या नहीं है? Which one is not synonym of समुद्र, बताइए। और ये मामला 50-50 पर अटकता हुआ, 56% पर, 54% पर मामला अटक सा गया है। सवाल एक, तुम इतने बस आधे ही आए, अरे गजब है, आधे के बावजूद ये जो टॉप 10 है इसमें दाग नहीं लगा है, दाग नहीं लगा, ये गजब है भाई। देखिए, धन्यवाद बच्चा, एक बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, पहली बात तो ये तीनों का हो गए, बहुत गजब कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ये तीनों समंदर है, जलाधिप समुद्र नहीं है। तो याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से कि जल में घी लगा दीजिए, पानी की किसी पर्यायवाची में घी लगा दीजिए तो सब समंदर का पर्यायवाची हो जाएगा। धन्यवाद नेहा प्रिया, धन्यवाद। क्या करें, जलधि, वारिधि, अम्बुधि, नीरधि, तोयधि,
ये सब क्या है? समंदर है। अच्छा, अगर आप समुद्र पानी की किसी पर्यायवाची में धाम पर्यायवाची लगा, धाम छोड़ दीजिए, धाम धाम माने होता है घर। धन्यवाद दीपिका, धाम माने घर। तो बच्चा अगर आपने धाम लगा दिया तब भी क्या हो जाएगा? हाँ दिख रहा है रॉयल राजपूत, आपका कमेंट दिख रहा है। अगर आपने धाम लगा दिया तो भी समंदर हो जाएगा। धन्यवाद त्रिपाठी जी। जल धाम, वारी धाम, नीर धाम, अंबु धाम, सब समंदर है। अच्छा, निधि लगा दीजिए तब भी समंदर है। पानी में लगाइए निधि, बनाइए समंदर। जल निधि, वारी निधि, तोय निधि, अंबु निधि, ये सब समंदर, समंदर, समंदर। लेकिन मां साहब, फिर ये समंदर क्यों नहीं है? वाई दिस इज नॉट समंदर? बताता हूं मनीष, धन्यवाद। अब आज गड़बड़ है तो मैं इसे लगा लेता हूं, एक मिनट। अरे परिधि मीन सरकमफेरेंस, परि माने दी, परि, परि का मतलब होता है कंप्लीट, दी माने उसकी चौहत्ती, तो इसका मतलब बाउंड्री को परिधि कहा जाता है, परि माने कंप्लीट होता है। कोई बात नहीं बच्चा। अच्छा, एक बहुत गजब कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, सुनना बच्चा। ये अगर धीप शब्द लग जाए तो ये धीप कहां से आया है? ये धीप आया है अधिपति से। अधिपति का खाली धीप ले लिया गया। अधिपत माने मालिक। एक मिनट, एक मिनट, बातचीत ना करो। कमेंट जितनों को शो हो रहे हैं वो यस कहें, जिनको कमेंट नहीं दिख रहे हैं उनको नो कहें। 79% को कमेंट शो हो रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ ऐसा कुछ हुआ है, हाँ हाँ ऐसा कुछ हुआ है। धन्यवाद, धन्यवाद, अपडेटेड है, हाँ अपडेटेड है, अपडेटेड। हाँ बस बस बस, प्लस वालों को प्लस का दिखेगा। हाँ हाँ ठीक, बस बाकी। अरे बच्चा, कमेंट का क्या है, कमेंट का क्या है? हम जो बोल रहे हैं वो देखो, कमेंट तो सब माया है, मोह है, मिथ्या है, सत्य अमरनाथ है, बैठे हैं तुम्हारे सामने। सुनो, अधिपति माने धीप, अधिपति माने मालिक। तो अगर मैं कहूं जल अधिप, तो शब्द क्या बनेगा? जलाधिप, जलाधिप। भैया जलाधिप माने बहुत, जलाधिप मतलब जल के अधिपति, और जल के अधिपति देवता वरुण होते हैं, वरुण, वरुण जलाधिपति, वो गरुण नहीं, वरुण, वरुण देव समुद्र के देवता हैं, समुद्र के अधिपति हैं, जल देव हैं, तो वो वरुण है। अच्छा तो बताओ धनाधिप क्या होगा? धनाधिप, अधिप माने अधिपति, समझ लो, धनाधिप क्या होगा? नहीं कुबेर बच्चा, वो लक्ष्मी नहीं हो सकती, धनाधिप अधिपति मेल, तो धनाधिप कुबेर हो जाएंगे। तो इस तरह से अधिप लग जाए तो मालिक का भाव रखना, अधिप लग जाए तो मालिक का भाव रखना, अधिप लग जाए जलाधिप लिखा दे, वो धनाधिप लिखा हो, समझ लेना अधिपति। नहीं बच्चा, जल के वो नहीं, वो वर्षा के देवता है रोमी, वो वर्षा के देवता है, वो जल के देवता नहीं, समुद्र की जो ताकत है वो वरुण के पास है। अनंग यहाँ नहीं, अनंग तो काम देव, क्लियर है? आइए अगला, इनमें से एक शुद्ध है, बस ओनली वन, रेस्ट आर रॉन्ग। देखते हैं कौन शुद्ध है। अरे काहे डर लग रहा है भैया, बड़ा गजब सवाल है भाई। एक 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 प्रश्न, सीसाइड का डर कर लगने की जरूरत ना है, चर्चा कर लेंगे हम सीसाइड के लिए भी, कुछ विचार कर लेंगे। जो आपको सवाल सबसे ज्यादा फंसाते हो हम उनको स्पेशल क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, आप हमें बता दीजिएगा। हिंदी फंसाती, हिंदी माध्यम वालों को सवाल ऐसा लिखा रहता है, समझ में नहीं आता है, तो हम बता देंगे, पक्का कर लेंगे। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराए चल आए, 21% ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके? बढ़िया है, अरे वाह क्या बात है, रमन वाह।
आइए पहले समझिए, अध्यवसाय एकदम सही लिखा हुआ है, हम ही बना देते हैं। हाँ, खिवैया नहीं होता है, खेवैया होता है। और भैया ये हम नहीं बनाए हैं ये। हाँ, ले लो मजा। देखो तुम ये कह दो मास्टर पढ़ा रहे हैं मजा आ रहा है, एक्सेप्टेबल। हाँ, आप कह दे हिंदी मजा आ रहा है, आप कह दे राइटिंग बढ़िया, तुम चाहे जो कह दो हम नहीं मानेंगे। और गाना बढ़िया है, ये दो हमारा बढ़िया नहीं, हम जानते हैं। अच्छा तो खेवैया होगा। अच्छा सुनो, न्योछावर नहीं होता है, न्योछावर होता है, पूछा हुआ है बर्तनी में, याद रखना न्योछावर, न्योछावर। तो ओ होता है, औ नहीं होता है, औ नहीं होता है। अच्छा निरपेक्ष गलत लिखा है, ये होगा निरपेक्ष। ये तीन चीजें सही लिखी हैं और अध्यवसाय एकदम सही है। हाँ इमला बुलवा दिया करें। हाँ तो देखिए भैया, न्योछावर, खेवैया और निरपेक्ष याद रखिएगा, ये सही है। अध्यवसाय एकदम सही लिखा था बच्चा। अध्यवसाय माने होता है परिश्रम, मेहनत, किसी चीज में जुड़े रहना। अध्यवसाय पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना किसी काम में, उद्यम करना, मेहनत करना, इसको अध्यवसाय कहा जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसे एक गाल आपके लिए तैयार है, बड़ा सरल सा सवाल है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस देखिएगा और सही लगा दीजिएगा। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वही वही सवाल पूछते जाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक खूब हमने तुमको सेंस दिया है। अब प्रश्न, ये एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पूछा ना गया हो, सब सवाल है। थोड़ा सा कंसेप्ट आगे बढ़ता हुआ, 49% 46% लोगों ने सही सही जवाब दिया। जितने आए हैं सभी का स्वागत है। जो भी नए जुड़े हैं बच्चा, अगर आप हमारी निरंतर कक्षा पाना चाहते हैं, पर डे मिलना चाहते हैं हमसे, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, हमें फॉलो करें। हमें फॉलो करेंगे तो बहुत धन्यवाद शुभा, तो आपको हमारी कक्षाओं के अपडेट्स मिला करेंगे। ओ भाई, ओनली पर्यवसान सही है, ओनली पर्यवसान। सटदर्शन गलत लिखा है, अनापेक्षित गलत लिखा है, लिस्ट गलत लिखा है। सवाल ऐसे हैं भैया, धीरे धीरे सही होगा, धीरे धीरे सही होगा, अभी सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। अरे एक दिन में ना होगा, अब अगली बार पर्यवसान तो सही कर ले जाओगे, अगली बार तो आप खेवैया और निरपेक्ष और न्योछावर सही कर ले जाओगे। तो सुनो मैं कंसेप्ट बताता हूं, रटिए मत। सट धन दर्शन, संस्कृत में संधि का नियम है, संहिताय कपदे नित्यम, माने जो नजदीक है उनमें संधि करना पड़ेगा। अगर संधि हो सकती है और आप संधि नहीं करते हैं तो सवाल गलत माना जाएगा। तो सट और दर्शन जब जुड़ेगा तो नियम कहता है ताकड़ा हो जाता है, तो यह शब्द बनेगा षड दर्शन, जन-जन संधि, संधि संभव है। अब आप देखिए, अच्छा वहां सब हम टा लिखते हैं तो क्यों गलत माना? तो देखो, क्या आप कभी विद्यालय लिख सकते हैं? क्या में मिला आ गए शोभा, फॉलो कर लो बच्चा, रेगुलर क्लास मिलेगी। क्या विद्यालय लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, यानी कि यहां संधि संभव है, आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो जैसे सट दर्शन में संधि संभव है और आप काकड्डा नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए सट दर्शन। बिंदी नहीं लगेगी, अरे बिंदी नहीं लगेगी, बिंदी का मामला आपका गड़बड़ है, लग रहा है अभी अभी देखिए, अभी देखिए बिंदी ठीक कर दे। तीन अक्षर है, धनंजय स्वागत है, धन्यवाद। अच्छा बिहार प्लस में शोभा, बिहार प्लस में इन दिनों क्लास अभी रुकी हुई है, हम देखेंगे, अभी कुछ व्यस्तताएं थी तो एक कोर्स भी फिनिश हो गया था, और हिंदी की बहुत ज्यादा वहां कोई एग्जाम लगा नहीं था, इस वजह से क्लास हमने थोड़ी दिन के लिए रोक दी, बाकी देख लेंगे हम, लगवा लेंगे। सुनो, एक होता भी सबका अर्थ बता रहा हूं, डा से डमरू, एक होता है अड़ा, एक होता है अंगा, यह है काखा गागा अंगा, आई है डा से डमरू। अच्छा, और ये अड़ा, अड़ा अड़ा माने कुछ नहीं, धन्यवाद प्रेम, अड़ा माने कुछ नहीं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है शोभा, अभी हम बात करते हैं बिहार के बारे में। अच्छा सुनो, तो सट दर्शन क्या है, सट दर्शन क्या है? छह दर्शन है, छह दर्शन है, सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक मीमांसा, वेदांत, ये जो शब्द है ये दर्शन है, तो वो सट दर्शन हो गए। अनापेक्षित, अच्छा
हाँ होंगी, भर्तियां होंगी। अनापेक्षित कैसे बनेगा? देखो बच्चा, अन धन अपेक्षित, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। यहाँ ना पे हलंत है, तो जब आधा ना छोटा आ से मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, तब ये बनेगा अनपेक्षित। अनापेक्षित गलत होता है, अनपेक्षित बनेगा। और क्लिष्ट गलत होता है, ये क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट। पर्यवसान क्या है आइए बताता हूं, पर्यवसान। अच्छा, परि धन अवसान, तो शब्द क्या होगा बच्चा? पर्यवसान। पर्यवसान अर्थ बताओ। परि माने कंप्लीटली, अवसान माने समाप्त हो जाना, किसी चीज का पूरी तरह खत्म हो जाना। हाँ रोज पढ़ाते हैं 1 से 2, यहाँ शोभा यहाँ रोज 1 से 2 पढ़ाते हैं। परि अवसान, कंप्लीटली खत्म हो जाना। अगर कोई चीज पूरी तरह समाप्त हो गई तो इस बात को पर्यवसान कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्यवसान। याद रखिएगा, अगले प्रश्न पर। बहुत सरल सवाल है और बहुत बार का पूछा हुआ है। बच्चा स्वागत है। एक वाक्य शुद्ध है उसका चयन करिए। बहुत बार का पूछा सवाल है, बहुत बार का पूछा सवाल है, एकदम सही टिक कर। कसम से, कौन कौन गाना गाए हम, टुकड़े टुकड़े नहीं, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती है, क्या बताएं। ऐसा क्या गुनाह किया जो लूट गए। दो सौ, हाँ 200 मान लेंगे। देखिए तो बच्चा सुनो, सही वाला है ए, ए सही है। अरे बहुत धन्यवाद स्वर्णिमा, तुम्हारी टोपी हमने देखी बढ़िया ना, ऐसा ही करा करो, मुस्कुराहट तो वहीं से आशा करते हैं। देखो, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। सुनो, पर्वतीय प्रदेश में, इसमें क्या गड़बड़ है? पर्वतीय प्रदेश सही लिखा है, प्रातः काल एकदम सही लिखा हुआ है, दृश्य एकदम सही लिखा हुआ है, चित्ताकर्षक होता है, सब सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ है। चित्ताकर्षक माने बच्चा चित्त, धन आकर्षक, चित्त माने मन, मन को आकर्षित करने वाला चित्ताकर्षक, मन को आकर्षित करने वाला चित्ताकर्षक। एक बार रिफ्रेश कर लेंगे अश्विन रोचक तो सही हो जाएगा। अच्छा, प्रत्येक धर्म के लिए इसमें गलत क्या है मतलब? अच्छा सद्भाव। देखिए सत धन भाव, तो शब्द क्या बनेगा? सद्भाव। सद्भाव का अर्थ क्या हुआ? अच्छा भाव। अब बताओ क्या ऐसा उचित लग रहा है? अच्छा भाव, अच्छा भाव तो गलत हो जाएगा। इसको कहते हैं अंग्रेजी में सुपरफ्लुअस और हिंदी में कहते हैं अधिक पदत्व, अधिक पदत्व, तो ये गड़बड़ है इसमें। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, अधिकांश में भी अधिक धन अंश जुड़ा है, और फिर आप इसमें भाग भी कैसे जोड़ सकते हैं, जबकि अंश और भाग एक ही मतलब होता है। तो आपको कहना है मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है, अधिकांश के साथ किसी तरह के आग भाग का उपयोग नहीं करते। क्लियर है? सी गलत है तो डी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला सही था। अगला सवाल, जितने उधर दर्द दियो हो दर्द पे मलहम लगा दो। नहीं 100% तो 80% तो जवाब चाहिए चाहिए। बताओ इनमें से एक शब्द तद्भव है वो कौन सा है? जो तद्भव है वो कौन सा है? मरहम बोलते बच्चा, मरहम, मरहम। अभी बताता हूँ बच्चा, अब पहला सही हुआ आर्य का, कोई बात नहीं। अरे मरियम तो माता का नाम है उनकी, ईसा मसीह की माता का नाम। देखिए इनमें से एक शब्द तद्भव है, हाँ
हाँ 70+ होना चाहिए था, नहीं हुआ तो क्या किया जाए। ये जो बजरंग हैं, बजरंग ये तद्भव लिखा हुआ है, तो इसका संस्कृत क्या होगा? वज्रांग, वज्रांग, वज्रांग ही बिगड़ करके बजरंग बना है, वज्रांग को बजरंग कहा जाता है। तो बजरंग तद्भव संस्कृत हो गया, तो हिंदी हो गया, और बाकी ग्राहक संस्कृत में, दक्ष संस्कृत में, पाणी संस्कृत में, ये सब संस्कृत है। बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, तो याद रहेगा, याद रखिएगा, बजरंग तद्भव है, बजरंग तद्भव है, वज्रांग तत्सम है। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया सवाल, गजब सवाल है, आपने बहुत बार पढ़ा भी है इसे। चना का तत्सम रूप क्या होगा? वाह वाह, 64-65, कोई नहीं, धीरे धीरे सब सुधर जाओगे, सब सुधर जाओगे धीरे धीरे। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल्पर परत निशान। ये दोहा पुराना हो गया है, बस इतना जान लीजिए कि संगत करने से सुधर जाता है। दाऊद इब्राहिम के साथ रहेंगे तो 2-4 बम तो तोड़वा ही देंगे। रोशन, हाँ बच्चा याद है कि हमको पढ़ाना है बिहार में, ये हमें याद है, एकदम सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। समझिए भैया, चना का तत्सम चणक होता है, चणक होता है, चणा चाणक चाक और कुछ नहीं होता है, तो ये होगा चना, ठीक है। निडर संस्कृत नहीं है, हिंदी का शब्द है, हिंदी का शब्द है, उसके लिए निर्भय शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, निर्भय का। देखिए अशीति का तद्भव क्या होगा? अशीति का, अरे नहीं रोशन, हमको याद हो भैया, तुम बिहार स्टूडेंट हो, कैसे भूल सकते हैं? आपने हमसे इतिहास पढ़ाने के लिए कहा था बिहार में, तो हम कैसे भूल जाएंगे, कब तक ही नहीं भूलेंगे। ये अलग नहीं, हम डीपी से नहीं पहचानते, हम आपके नाम से और आपके बातचीत जो कमेंट्स आते हैं उससे हम आपका एक सब सारे जितने स्टूडेंट है हमारे, क्योंकि यहाँ आप दिखते नहीं है हमें, तो आपकी शक्लें हम पहचानते नहीं है, आपका नाम और आपके बातचीत में जो कमेंट होते हैं उनसे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि आप वही है। हम आपको आपकी बातचीत से पहचानते हैं, इतनी छोटी सी फोटो दिखाई पड़ती है, इसमें आप वैसे ही से जाके थोड़े ना देखेंगे। अच्छा तत्सम तो संभवता नहीं मिलेगा। देखिए अशीति का तद्भव रूप क्या होगा? अशीति का तद्भव रूप क्या होगा बच्चा? 80 होता है। बढ़िया है, अशीति का जो तद्भव होता है वो 80, वो अशीति शब्द ही हिंदी में 80 बन गया। अच्छा हाँ, एक चीज ये हुई है आज कि आज आपको अपनी अपनी कैटेगरी के कमेंट दिख रहे हैं। कमेंट का मतलब ये हुआ कि जो सब्सक्राइबर हैं वो सबके कमेंट देख सकते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर नहीं है वो सबके कमेंट नहीं देख सकते, बात समझ गए? हाँ। पर डे शोभा, यहाँ यूपी में पर डे 1 से 2 क्लास चलती है, पर डे 1 से 2 चलती है। हाँ अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया है। बहुत गजब सवाल, आप सोच रहे हैं किससे बात कर रहे हैं, बहुत गजब सवाल है। कांस्यकार, तद्भव रूप क्या है? यह उचित नहीं लग रहा है हमें, देवेश जी हमें उचित नहीं लग रहा है जो आपने भेजा है, मैं इसे चेक करके बताता हूं, क्योंकि तो डर शब्द है जितने हमारे पास है ही नहीं, डर शब्द ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका मूल संस्कृत में हम ढूंढें, निर्दर तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ये भी गजब है, सब्सक्राइबर वाले सब्सक्राइबर का, स्पेशल वाले स्पेशल का, ये बंटवारा हो गया। ये बंटवारा हो गया, बताने जा रहा हूं।
भाई कांस से कार क्या हो गया, कसेरा हो गया, कसेरा हो गया। कांस से कार क्या हो गया, कसेरा। बच्चा कांस से कार होता कौन है पहले समझ लो, पहले कांस से कार समझ लो। एक एक धातु होती है तांबा, हाँ हम सबका देख सकते हैं, और दूसरी होती है जस्ता। तो नहीं नहीं क्या, एक तांबा जस्ता मिलता है और एक तांबा और तांबे के साथ एक चीज और मिलती है, बहुत धन्यवाद, टिन। नहीं तो टिन एसएन है, हाँ हाँ जेडन है, ठीक 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 टिन। ये जेडन है और ये एसएन है, एसएन है। ये कापर है और ये भी कापर है। तो एक सवाल ये बताओ, कॉपर और जिंक का मिक्सअप करेंगे तो क्या बनेगा, पहला वाला, व्हेन वी ऐड कॉपर एंड जिंक क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, पीतल बनता है, ब्रास बोलते हैं इसे। और जब तांबा और टिन मिलाया जाता है तो क्या बनता है, कांसा बोलते हैं इसे, कांस से बनता है। आपने हिस्ट्री में कांस्य युग पढ़ा है, ब्रॉन्ज बोलते हैं इसे, इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, उसको ब्रास बोलते हैं। कांस्य युग पढ़ा है ना, कांस्य युग, तो वो जो कांस्य युग है, हाँ हाँ चंद्रबिंदी, सॉरी चंद्रबिंदी नहीं, वो मुंह वही क्या पूर्णबिंदी रहेगी, कांस्य रहेगा, कांस्य। तो क्या कहते हैं, तांबा और जस्ता मिला देते हैं तो पीतल बनता है, और तांबा और टिन मिला देते हैं तो कांसा बनता है। इसी कांसे के बर्तन आते हैं, इसी कांसे के बर्तन आते हैं। तो जो बंदा कांसे के बर्तन बनाता है उसको कांस्यकार कहते हैं, उसको कांस्यकार कहते हैं। चलो इतनी हम हटा ही देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्यकार कहते हैं, ठीक है। और अगर वो कांस्यकार होगा तो उसी का जो तद्भव है उसको हम क्या कह देते हैं, कसेरा कहते हैं। क्लियर रहेगा, नहीं ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, कैल्कोलिथिक नहीं, कैल्कोलिथिक आई थिंक इट इज समथिंग डिफरेंट, ब्रॉन्ज एज होती है अपने यहाँ, कांस्य कांस्य युग ब्रॉन्ज एज, ठीक है। लिथिक का तो मतलब पत्थर हो गया, लिथिक शब्द तो जुड़ गया शिवांगी, तो यहाँ पत्थर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नहीं अलग अलग है, अलग अलग है, अरविंद पीतल अलॉय है और तांबा कॉपर है, ये इट इज अ प्योर फॉर्मेट ऑफ क्या कहते हैं उसको, धातु को, मेटल, और ये जो है ये अलॉय है। ऐसे ये जो चार चीजें लिखी है ये प्योर है और ये अलॉय है, अलॉय है, ये मिक्सचर है। देखिए अगला, इनमें से कौन सा एक तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं, बहुत बढ़िया सवाल, कौन सा एक तद्भव नहीं, तद्भव होने की शर्त क्या होती, कमेंट में नहीं थी, कमेंट में नहीं, पोल में, वरना लोग डाइवर्ट होते हैं आपके जवाब से। आज 4 बजे यूट्यूब पर यूपीपीएससी के स्पेशल क्लास लेंगे आप सबको, जब भी समय मिले तो हमारा जो अनअकैडमी का यूपीपीएससी, आप अनअकैडमी यूपीपीएससी सर्च मारिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। शाम को 4 से 5 के बीच हम लाइव रहेंगे, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी आनंद ले सकते हैं हमारा। इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, तस्कर, मैंने आपको बताया था तद्भव होने की शर्त क्या है, तद्भव होने की शर्त क्या है कि उसका संस्कृत मूल होना चाहिए, पत्ता, पत्र, हाथ। आज यूपीएसआई के सिलेबस, कंसेप्ट, पढ़ाई, कोर्स सबके बारे में डिस्कशन होगा। यह हस्त है और यह अंगूठा अंग प्रौठा है, हाँ मिलना तो चाहिए दीपू, मैं देखता हूं मैं कुछ कर सकूं तो।
बच्चा टॉपिक नहीं, क्वेश्चन 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 भी टॉपिक होगा, सवाल एक दो रहेंगे और उन्हीं से हम पूरा टॉपिक समझाएंगे, तो आप देखिएगा बेहतर क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जरूर जरूर, नहीं आप नहीं दे सकते हैं। देखिए अगला सवाल, कोष का तत्सम रूप क्या है? बहुत गजब सवाल है। तस्कर हिंदी भाषा नहीं है। वेट फॉर अ मिनट, जस्ट जस्ट सिंगल मिनट। हम भी देखें क्या चल रहा है आखिर। अच्छा, अरे बच्चा किसको किसके कमेंट दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, सब किनारे करो, आनंद लो कक्षा का भाई। तो अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, जितने लोगों ने सही जवाब लगाया पढ़ा है कि तुक्का मारा है? ईमानदारी से बताना, पढ़ा है कभी तो हृदय प्रसन्न हो जाएगा हमारा। संतोष यादव ने पढ़ा है, गजब, वेरी गुड, क्या बात है, सो नाइस, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात है। देखो भैया पहली बात क्या बात, देखिए आज से औरय ओषण ये सब फर्जी शब्द है, अवश्याय ही बिगड़ करके ओष बन गया है। अवश्याय शब्द होता है, अवश्याय ही कहते कहते ओष हो गया, अवश्याय ही कहते कहते ओष हो गया, बस बाकी सब व्यर्थ बात है। सही बात मम्मी। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत आनंद देने वाला प्रश्न है। एक जो जोड़ा है विलोम का वो गलत है। अच्छा लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ऐसे ही सवाल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अवश्याय ओस, आप देखते होंगे हर बार, हर बार एक बात याद रखेंगे कि 8-10 सवाल एकदम नए दिखते हैं आपको, बाकी तो पूरा पेपर यूं ही चल जाता है। वो जो 8-10 नए सवाल होते हैं आपको, आपको तैयारी उसी की करनी होती है, ये सेंस वहीं से आता है, वैसे ही सवाल बनते हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनकी संभावना हमें लगते हैं वो आपसे डिस्कस कर लिया करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से एक जोड़ा गलत है। एक जोड़ा गलत है। नहीं, रिवीजन का एक कोर्स शुरू कर रहा हूं आज, जैसे कौटिल्य वाला, रिवीजन का एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, और ये मंडे मंडे से शुरू होगा, सुबह 8 से 9, आरओ आरओ लास्ट। देखिए हाँ, प्लस पर 8 से 9 शुरू होगा मंडे से, 12 दिन, 7 तारीख से शुरू करके 19 तारीख तक हिंदी सबसे पहले। हाँ अभी अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, वो जैसे ही अपडेट हो जाएगा आप कर लेंगे। अच्छा वो हम शाम को कर लेंगे ना, संडे को, कल शाम को कर लेंगे, अभी लिंक नहीं दिया है, वो दे देंगे। 7 से 19 सितंबर तक चलेगा, 1 बजे में, तो जो हमारा शेड्यूल है उसी शेड्यूल के हिसाब से हम पढ़ाते हैं। 7 से 19 सितंबर तक चलेगा, पहले 6-7 दिनों तक हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जब जितने सवाल 2010 में 17 में जो भी पेपर हमको मिलेंगे वो सब डिस्कस करवा डालेंगे, उसके बाद जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो इट विल बी यूनिक रिवीजन क्लास फॉर हिंदी। अगर आप आर ओ आर ओ दे रहे हैं तो जरूर वो 7 से 19 वाला जो कोर्स आएगा उसको इनरोल कर लीजिएगा, कल अपडेट हो जाए तो कल कर लीजिएगा, वरना मैं आपको, हमारी आपकी बातचीत होती रहती है, हम उसमें बता देंगे। सुनिएगा, कथ्य का अकथ्य सही है, तांडव पुरुष नृत्य, लास्य स्त्री नृत्य,
पृथक अलग हो जाना, जुदा हो जाना, संयुक्त जुड़ जाना, संयोग माने जुड़ना, संधि माने जुड़ना, यही एक ऐसा है जो विलोम युग्म नहीं है। बच्चा 14 सितंबर से यूपीएसआई शुरू हो रहा है। चलिए मैं कर लेता हूं। अगला प्रश्न, मिट्टी का तत्सम शब्द बताइएगा। मिट्टी का तत्सम शब्द बताइए। अरुण, अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आपको हमारी प्रोफाइल पर जाना होगा और प्रोफाइल पर जो भी कोर्स दिखे आने वाले उन सबको ओपन करिए, इनरोल दबा दीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपको मैसेज आने लगता है कि मेरी क्लास का टाइम हो गया, आप आ जाइए। हाँ, ये मोस्ट वांटेड सवाल है। सहयोग नहीं, संयोग भी हो बच्चा, सर विसर्जन का भी, आवाहन। आज यूट्यूब पर होगा 4 बजे आह्वान का विसर्जन। देखिए बच्चा, मिट्टी का जो तत्सम है वो मृत्तिका होता है। मिट्टी तद्भव है, इसका जो तत्सम है वो क्या होता है, मृत्तिका होता है। मृत्तिका याद रखिएगा, तो मिट्टी इज मृत्तिका, बाकी मट्टिका, मृत्तिका, मृत्ति, ये सब फर्जी शब्द हैं। आह्वान का मतलब होता है पुकारना, विसर्जन का मतलब होता है विदा करना। जब भी कभी पूजा होती है तो जब भी कभी आप देखें पंडित जी पूजन करवाते हैं तो सबसे पहले वो देवावाहन करते हैं। देवावाहन, हाँ तो जरूर स्वागत होगा, ये कोड ना भूलिएगा अमर ललित। देवावाहन करते हैं, जब देवावाहन हो जाता है और सब पूजा समाप्त हो जाती है तब विसर्जन किया जाता है देवताओं का, और तब मंत्र पढ़ते हैं, ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम ना जानामी, और पूरा बड़ा सुंदर सा श्लोक है वो जिसको पढ़ा जाता है, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। देखो हम बतियाते बतियाते कहीं पेन रख दी, मिल गई। तो आवाहन का विसर्जन हो जाएगा। अगला पॉइंट, इनमें से कौन से समूह में पर्यायवाची सब गलत है, पर्यायवाची की दृष्टि से जो गलत है, और गजब सवाल है, पर्यायवाची की दृष्टि से जो गलत है वो बताइए कौन सा है। पर्यायवाचिना दृष्टि, और सी और डी में चल रही है कांटे की टक्कर, सी और डी में चल रही है कांटे की टक्कर, सी बाजी मारता हुआ, बहुत बढ़िया, 43% लोग मात्र सही हुए हैं। भाई शिवांगी वेरी नाइस, आप लोग अपने वो सिंबल एक दूसरे को सबके दिखेंगे तो आप सिंबल देख सकते हैं। सुनो, जात रूप हेम हाटक, ये सब है सून, वहनी जात वेद वैश्वानर, ये सब है आग, गिरिजेश भव पन्नग भूषण, ये है शिव, कुंजर माने हाथी, और कुरंग और मृग दोनों के माने हिरण। बस यही गड़बड़ा गया, बाकी सब ठीक था। बात सब, मार्तंड सूर्य है बच्चा, मार्तंड सूर्य है। अच्छा अब मैं आपको याद करवा देता हूं, मतलब सोने को जातरूप क्यों कहते हैं, बड़ा गजब सवाल, सोने को जातरूप क्यों कहते हैं। तो जात माने पैदा होना, जात माने पैदा होना, ठीक, और रूप माने मूल रूप, तो जो अपने स्वतंत्र रूप में पैदा हो वो जातरूप, तो सोना स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, हेम सोने को कहा जाता है, हाटक जिसकी वजह से बाजार लगती है, हाट करवाने वाला अर्थात हाटक, ये सोना हो जाता है। अच्छा वहनी वाहन है देवताओं का, मतलब जो समिधा देते हैं वो ईश्वर तक पहुंचाने का साधन है आग, इसलिए आग को वहनी। जात वेद वैदिक ऋचाओं का आरंभ है अग्नि, इसलिए जात वेद वैश्वानर, इस नर के लिए विश्व की सृष्टि करने का काम अग्नि का है इसलिए वैश्वानर। गिरिजेश माने गिरिजा, धन ईश,
हाँ बाजार हाट इसी से संबंधित है। गिरिजा के ईश अर्थात अनीक माने सेना बच्चा, अनीक माने सेना। तो गिरिजा के ईश, गिरिजा माने पार्वती, हाँ पार्वती के पति भगवान शिव, भव भवम भवानी वो पढ़ते हो ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओ भवम भवानी सहितम नमः। तो भवम माने शिव, भवानी माने माता पार्वती, और भव और भवानी दोनों को प्रणाम कर भवम भवानी सहितम नमः। हाँ तो बच्चा गिरिजा माता पार्वती और गिरि, गिरिजा पर्वत को नहीं बोलते हैं वैभव, गिरि माने पर्वत और गिरिजा माने पर्वत की पुत्री। धन्यवाद शुक्ला मिश्रा, सुखदा सुखदा धन्यवाद। हिरणगर्भ माने भी सोना होता है, शर्म आती है आता नहीं है, क्लियर है। तो गिरिजा भवानी तो ना भूलिएगा। तो गिरिजेश भव अपन्नक माने सांप, भूषण माने, भूषण माने गहना। तो जिनके सांपों का गहना है वो क्या हो गए, पन्नक भूषण। तो नीचे वाले तीनों शिव हैं, ऊपर वाला सोना, ये आग, बस इसी में गड़बड़ था। बहुत गजब, अभी अर्थ बता देंगे जाते जाते। प्याज खाया जाता है, खाई नहीं जाती है प्याज पुल्लिंग में। अखरोट मोस्ट वांटेड सवाल, जाने कितनी बार कितनी परीक्षाओं पूछा गया है अखरोट का तत्सम बताओ, अखरोटस्य तत्समः कः। ये बढ़िया है, सब अपनी अपनी कैटेगरी में बतिया ले, ज्यादा ज्यादा न बतिया। बहुत सारे प्रश्न है जो बहुत रिपीटेड है। 53% भैया अखरोट अछोट को बोला जाता है, अखरोट अछोट को बोला जाता है। हाँ हाँ हम इस बतियाइए भाई, बढ़िया है। अखरोट अछोट को बोला जाता है, याद रखेंगे। चलिए 17 नंबर अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं। आप रोशन, आप बिहार के प्लस है, यूपी के प्लस नहीं है, आप बिहार के प्लस है, यूपी के प्लस नहीं है। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का जोड़ा गलत है। लेकिन यार कोई तरीका ऐसा भी होना चाहिए कि हमको पता चल जाए कि ये इतने लोग हैं, ये इतने लोग हैं। बंटवारा तो हो गया लेकिन हम नहीं जान पा रहे हैं, इस पर भी बातचीत करते हैं कि अध्यापक को पता रहना चाहिए। अरे बच्चा 245 आवे चाहे 24 आवे क्या फर्क पड़ता है, सब सबका स्वागत है। बच्चा घोटक घोड़ा होता है, हल्दी हरिद्रा होती है, हिंग हिंगू। हाँ ये बात, ये बात। नहीं नहीं हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए सब बराबर है, कोई डिवाइड रूल इधर नहीं है। हिंग हिंगू ये तो है, ये तो है बच्चा। ये पनही परनही ये गड़बड़ है। देखिए पनही जो शब्द है इसका संस्कृत शब्द होता है उपानह, और उपानह का अर्थ क्या होता है, जूता, जूता। बहुत धन्यवाद प्रदीप। बात समझ गए, जूता। तो पनही का परनही नहीं होगा, जो उपानह होगा याद रखिएगा। अनिवार्य का बहुत बार तुम सब हमसे स्पेशल वो क्या नाम मैसेज भेज भेज करके और सवाल पूछ कर करके हमसे पूछे हो, तो आप बताइएगा अनिवार्य शब्द का विलोम इनमें से क्या है। विलोम बताना है, प्रश्न पूरे चल रहे हैं बच्चा। 18 नंबर सामने स्लाइड है कि नहीं है,
हमने 18 नंबर स्लाइड है कि नहीं है? बस अच्छा, इसके बाद बैक कर देंगे, अभी कर देते हैं। 51% जो बहुत सवाल पूछे गए हैं उनमें आप सबका कॉन्फिडेंस है, अच्छा है, अच्छा है। देखिए, अनिवार्य माने कंपलसरी, जिसको हटाया नहीं जा सकता, जो आपको करना पड़ेगा। तो इसका अपरिहार्य भी सेम शब्द देगा, तो अनिवार्य और अपरिहार्य तो समानार्थी हो जाएंगे। वैकल्पिक यानी इस काम के लिए आपको विकल्प दिया जा रहा है, आप चाहे तो ये करें चाहे तो ये करें, तो वहां अनिवार्यता खत्म हो गई। और ऐच्छिक, आपकी इच्छा हो तो करें और आपकी इच्छा हो तो ना करें। तो बच्चा अनिवार्य के लिए वैकल्पिक भी उचित है और ऐच्छिक भी उचित है, तो इसलिए बी और सी दोनों। अब इंडिविजुअल भाई भाव की बात की जाए तो ऐच्छिक का मतलब इच्छा, और इसका विलोम बनाए तो अनैच्छिक भी हो सकता है, अनैच्छिक भी हो सकता है, अनैच्छिक भी हो सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं, ये हो सकता है। लेकिन यहां पर सेंस तो दोनों का है ना, वैकल्पिक और ऐच्छिक का, तो अनिवार्य कंपलसरी और उसका जो विलोम होगा वैकल्पिक और अच्छी, क्लियर है? अच्छा, पिछले प्रश्न में नहीं लिखा था इससे, ये सब तो लिखा है, चलिए खैर पुरानी बात को छोड़ो, आगे बढ़ते। प्रश्न संख्या 19, बहुत गजब सवाल, कौन सा विलोम युग्म गलत है? बहुत गजब सवाल है भाई, बोल सामने आपके, मजेदार सवाल। यूपीपीसीएस का प्री हो जाएगा, ओ सॉरी, आरओ आरओ जब हो जाएगा तो आरओ आरओ के बाद आरओ आरओ का मेंस बैच आएगा, खूब मन से पेपर देने जाएं 2016 वाला, ताकि आप सब प्री क्वालिफाई करें और हम मेंस आपको पढ़ाएं। और अगर आप प्री क्वालिफाई कर लिए तो मेंस कर ही ले जाएंगे, क्योंकि सारा दारो मदार हिंदी का है, बस आप प्री निकालना है, मेंस तो हम निकलवाने बैठे हैं। तुम मुझे प्री दो, मैं तुम्हें मेंस दूंगा। बच्चा मनीषा, जनरल हिंदी के हिसाब से बैच आ रहा है, एक फाउंडेशन बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ, फाउंडेशन बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ, हिंदी फाउंडेशन 14 सितंबर से शुरू होगा, 10 नवंबर तक चलेगा। मोस्ट ऑफ टॉपिक कवर कर लिए गए हैं, कुछ छोटी मोटी बातें वैसे छोड़ी नहीं है हमने, क्लियर है? प्लस में, प्लस में, प्लस में हिंदी फाउंडेशन बैच आ रहा है, हमारी प्रोफाइल पर आ चुका है, आप इसमें अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आप इसको क्लिक कर लें, इनरोल कर लीजिए, अगर नहीं है तो एक छोटा प्लस सब्सक्रिप्शन ले ले। और ये दो होगा बच्चा 2021 में, एक सब्सक्रिप्शन ले ले, उस सब्सक्रिप्शन में कोड डाल ले तो आप 14 सितंबर से जनरल हिंदी, और पैसा आधा तो हम खाली हिंदी से करवा देंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे लेकिन रुपया आधा हम खाली इसी से करवा देंगे। बीपीएससी में आएगा बच्चा, सितंबर लास्ट में आएगा, जरूर रहेगा। सुनिए, इष्ट, इष्ट माने जिसकी इच्छा हो, तो इसका विलोम होगा अनिष्ट, सली निश्चल, सानुनासिक निरनुनासिक, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है नीचे ले जाने वाला, और वो निकर्ष लिखा हुआ है फर्जी आपको डराने के लिए, तो उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष होगा, याद रखिए उत्कर्ष अपकर्ष, ठीक। अगला प्रश्न जल्दी से, बहुत बार का पूछा हुआ सवाल है, निशा का विशेषण रूप क्या होगा? निशा का विशेषण रूप क्या होगा? यह सही है कि लाभ की दृष्टि से 2 साल वाला ही सोचे, जो 2 ईयर वाला है ये लाभ की दृष्टि से सबसे उचित है, कि आप एक बार पेमेंट करते हो 2 साल तक आपको मिलता है।
बहुत बढ़िया। हाय, दिल की धज्जियां उड़ाते हैं आप सब, धज्जियां। ए भाई, निशा संज्ञा है रात। निशा संज्ञा है। अच्छा भैया, निशाचर भी तो संज्ञा होता है। निशीथ माने आधी रात, ये भी संज्ञा होता है। निशांत माने रात खत्म हो गई, ये सब संज्ञा संज्ञा है। एडजेक्टिव कहाँ है? तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेगी, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ आएगी कुछ, बहुत अच्छे अच्छे सवाल यूपीएसआई में डाले जाते हैं, बहुत गजब गजब सवाल। नयेश, निशा का जो होगा नयेश होगा, निशा का विशेषण रूप नयस होता है। नयस माने रात से संबंधित, निशा से संबंधित। निशा से संबंधित तो शब्द बन जाएगा नयस। निशाचर राक्षस से संज्ञा है, निशीत आधी रात से संज्ञा है, निशांत माने रात का खत्म होना। तो इसलिए जो उचित शब्द होगा वो निशा का विशेषण रूप नयस होगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, दो प्रश्न और हैं। जरूर जरूर, जब वो क्लास चलेगी तो उसी में एक भी पढ़ा देंगे सवेरे वाली। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, विच इज नॉट क्वालिटेटिव? वाह क्या बात, गजबम गजबम। हाँ बहुत बढ़िया दीपू, लेकिन नियामा नहीं त्रियामा लिखना था, तुमने नियामा लिख दिया है। अच्छा मैं सुधार देता हूं इस बार। अब से देखिए, दीपू ने भेजा, निशीथ आधी रात को कहते हैं, त्रियामा रात को कहते हैं, विभावरी तारों भरी रात है, और शर्वरी चांदनी रात, और ज्योत्सना सना नहीं आधा सा। आधा सा ज्योत्सना। ये चांदनी रात, इसको खाली चांदनी को कहते हैं ज्योत्सना। तो बच्चा दूना क्या है, ये संख्यावाचक, दूना जो है वो संख्यावाचक। और एक आखिरी सवाल का आनंद ले लीजिए, दंगों में बहुत लोग घायल हुए लेकिन रात के लिए, यामा त्यामा सब रात के लिए आता है। तीसरा पहर नहीं, तीन पहर वाली। बढ़िया, देखिए अंतिम प्रश्न का आनंद लीजिए, दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? गजब। आज शाम 4 बजे यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें, क्या कैसे पढ़ना होता है, यह हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी अन अकेडमी पर होगी क्लास। आप सब इस कक्षा का आनंद ले सकते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब पर चलेगी, आ सकते हैं देख सकते हैं। बोर्ड लीडर बोर्ड देख लीजिए, अरुण 23 में 22 के साथ नंबर 1 पर रहे हैं, और उसके बाद प्रियंका है, संतोष है, अजीत है, कल्पना है, हरेंद्र है, अलका है, अजय है, क्षितिज और अंजना। बाकी सब अपनी अपनी पोल देख सकते हैं। विदा। तो यूपीएसआई का जो बैच है वो इस हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएगा, इसमें दंगों में बहुत लोग घायल हुए, लोग गिने जाएंगे, इसलिए लोग संख्यावाचक है, जवाब ए हो जाएगा। और इसमें यूपीएसआई के बारे में जानकारी, और एक जनरल हिंदी बैच 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, आपसे बारंबार निवेदन कि आप उसे इनरोल कर लें। इनरोल करेंगे तो आपको उसके हाँ, मैं प्रदोष तो पहला वाला है, जो पहला प्रदोष है उसको हटा दें तो बाकी जो तीन पहर होते हैं। आज पहली बार नंबर 1 आएगा, धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, आएंगे इसमें जितने आते हैं सब आएंगे, सब आएंगे।
आप सबको दोबारा से बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर विशेष के लिए। YouTube पर चलेगा यूपीएसआई की तैयारी क्या है, कैसे है, क्या होता है, 2011 का मेरा अनुभव क्या है, 2016 की भर्ती का जो मेरा अनुभव है वो क्या है, हिंदी कैसी आई है, क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, और हिंदी के कुछ विषय आपसे डिस्कस करूंगा। 1 घंटे की कक्षा चलेगी। मैथ्स भी जल्द ही, मैथ भी यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे, जल्द ही पढ़ाएंगे। तो इजाजत हो, खूब खुश रहिए दीपू बाबू। शाम 4 बजे विपिन, शाम 4 बजे। अच्छा, आपने भेजे थे कुछ सवाल, मैं ठीक कर देंगे, हम पक्का ठीक कर देंगे। बच्चा, तो हिरण्य गर्भ कई शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पहले रात वाली देख लीजिए। निशा नैस और अरुण ने एक सवाल भेजा था, उसका डिस्कशन। ये सवाल पिछले कई दिनों से मैं डिस्कस करके आपको समझा रहा हूं। आप जान लीजिए कि वह एडजेक्टिव है और बड़ा ठग एडजेक्टिव है, बहुत प्रविशेषण है, इसलिए इसको विशेषण में नहीं गिनेंगे। अच्छा, वो अभी भेज रहा हूं। और आपका ये संबंध कारक है, विशेषण नहीं, तो ये दो नहीं होंगे, इसलिए उत्तर बी ही होगा, 4 नहीं हो सकता है। बहुत बार बताया है, जब पेपर में आएगा तो माना जाएगा, अगर ये सवाल दोबारा आया तो। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, बी ही होगा, 4 नहीं हो सकते हैं, बी ही होगा, 2 ही है, 4 नहीं। और किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। कोई नहीं, कोई बहस करने की जरूरत नहीं। अरे बच्चा, वो बिहार में है शोभा, वो बिहार में है, यूपी में नहीं। तो बहुत धन्यवाद आज के एपिसोड को, बच्चा पुणे का बहुत बहुत धन्यवाद। चित्र बाबू आपको, हाँ हो गया हो गया, पुनीत बाबू अब आज की दिल की बस्ती उजड़ चुकी है। आप सबकी टोपियों के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर टोपियां आपने भेजी हैं। आपके टोपियों के लिए अब क्या कहें, उस पर कोई रिप्लाई तो हो नहीं सकता है, मैंने सबकी टोपियां पढ़ी। चलिए, अब आया, पहले आ जाता तो भेज भी देते लिंक, कोई बात नहीं। हाँ, 50,000 वाली भी मिली। अरे बहुत महंगी टोपी आपने भेंट की है, 5 टोपियां हैं 50,000 वाली। हरिओम पटेल, हरिन, शान, गौरव और अंगद, धन्यवाद आप सभी का। बाकी टीचर्स डे तो आप सबने विश किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो करते हैं आज के एपिसोड को यही खत्म, मिलते हैं अगले एपिसोड में हम कल 1 बजे, आज YouTube पर शाम 4 बजे मिले, यूपीपीएससी अन अकेडमी, यूपीपीएससी अन अकेडमी। बहुत धन्यवाद। पढ़ते पढ़ते मिलती है शानू, पढ़ते पढ़ते मिलती है। चलिए, बाय बाय।